कुछ बहुत भारी भरकम वर्ड्स होते हैं जिनको सुनते ही डर सा लग जाता है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट। आखिर क्या है इन वर्ड्स का मतलब, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बनाया गया है वैशाली की रिक्वेस्ट पे। देखिए, अगर आपको किसी भी टर्म का लिटरल मीनिंग पता हो तो उससे समझना बहुत आसान हो जाता है। पहला टर्म है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगर डेमोन्स्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है टू शोकेस। बहुत बार आपने सुना होगा कि जब हम कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर में लाते हैं तब कंपनी वाले लोग हमें कहते हैं कि कंपनी से एक बंदा आएगा और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, यानी वो आपको शोकेस करके बताएगा कि कैसे इसे काम लेना है। इसी तरीके से होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि जब आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में शर्मा जी एक अच्छा सा भारी भरकम बड़ा सा LCD लाए हैं, LED TV लाए हैं, और आपको लगता है कि ये TV वाकई में काफी अच्छा है, या फिर आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तब आप टीवी खरीदते हैं वैसा ही, यानी आपने एक गुड को परचेज किया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका फ्रेंड एक नया फोन लेकर आया, आपने जब फोन को चेक किया तो आपको फोन के फीचर्स बहुत अच्छे लगे और आपके दिमाग में ये भी आया कि यार वो अफोर्ड कर सकता है, क्या मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, और आपने भी वैसा ही फोन खरीद लिया। यानी जब भी आप किसी की देखा देख में कोई कमोडिटी को खरीदते हैं, किसी गुड को खरीदते हैं, या फिर किसी और को उस गुड को यूज करते हुए देखकर आपको लगता है कि आप भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं और ये अच्छा है, और तब आप उस गुड को खरीदते हैं, उस कमोडिटी को, उस आर्टिकल को खरीदते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरा भारी भरकम वर्ड जिसे सुनकर भी लगता है कि यार ये क्या है, वो है स्नॉब इफेक्ट। देखिए, स्नॉब का अगर डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे, एक लिटरल मीनिंग, तो स्नॉब का मतलब होता है टू डिसलाइक, या फिर अगर आप में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है कि आप हाई स्टेटस के लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, या आप सुपीरियर हैं बाकी लोगों से, या जिन लोगों को आप थोड़ा नीचे देखते हैं उन्हें डिसलाइक करते हैं, उन्हें आप इग्नोर करते हैं, तो ये होता है स्नॉब का लिटरल मीनिंग। अब स्नॉब इफेक्ट क्या है, देखिए आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हर एक इंसान के हाथ में सैमसंग का फोन है, अब मैं कुछ भी खरीदूं पर सैमसंग का फोन तो मुझे नहीं लेना। यानी कि एक कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज में आने लगा है, हर इंसान के पास आप वो देख सकते हैं या मेजॉरिटी लोगों के पास आप उसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपके मन में एक डिसलाइकिंग पैदा हो जाती है, उसे आप कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। देखिए, स्नॉब इफेक्ट तब अप्लाई करता है जब लोग चाहते हैं कि उनके पास यूनिक चीजें हो, अनयूजुअल चीजें हो, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स हो, ऐसे गुड्स हो जो बाकी सभी के पास नहीं होते। यानी आप कह सकते हैं कि जब स्नॉब इफेक्ट काम करता है तब जब लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो जिस कमोडिटी को, जिस आइटम को बहुत खरीदते हैं, उसे प्रिफर करते हैं, तभी स्नॉब इफेक्ट की वजह से हायर इनकम ग्रुप के लोग उसे अवॉइड करना चाहते हैं और उसे नहीं खरीदना चाहते। तीसरा भारी भरकम वर्ड है वेबलेन इफेक्ट। देखिए, वेबलेन एक सीधे साधे से इंसान थे, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था थॉर्स्टीन वेबलेन। उन्होंने एक थ्योरी बताई लग्जूरियस गुड्स से रिलेटेड। देखिए, वेबलेन ने कहा कि हर मनुष्य, हर इंसान के अंदर एक नीड होती है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की नीड, और उसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लोग हाई प्रेस्टीजियस गुड्स खरीदते हैं, हाई वैल्यू आइटम्स खरीदते हैं। अब आप कहेंगे, मैम आपने तो एक और भारी भरकम वर्ड बता दिया, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। क्या है ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन? देखिए, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो बहुत दिखता है, दिखावा करना। यानी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जब आप जानबूझकर महंगे गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है ये। आप ऐसे आइटम्स में, ऐसी चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं जिनकी जरूरत आपको नहीं है, जो आपके लिए नेसेसिटी नहीं होती, बल्कि वो आपके लिए एक स्टेटस सिंबल होती है, प्रेस्टीज गुड्स होते हैं जो आपको सोसाइटी में आगे दिखाते हैं, आपका स्टेटस बाकी लोगों से ऊंचा दिखा देते हैं। इसलिए जब आप ऐसे गुड्स पर खर्च करते हैं तब आप दिखावा करना चाहते हैं, जब आप
अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाना चाहते हैं बाकी लोगों से, तब हम इसे कहते हैं कि वेबलेन इफेक्ट यहाँ काम कर रहा है। सो गाइज, आई होप ये भारी भरकम वर्ड्स बहुत आसान भाषा में आज आपको समझ आ गए। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है जहां पर हम डेली डोज देते हैं आपको इकोनॉमिक्स का, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले वर्ड्स को आसान भाषा में हम आप तक पहुंचाते हैं इकोनॉमिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक्स की भाषा में, सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर नॉट डन येट, एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। इफ यू वांट मी टू मेक एनी सच वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स below.